साल 1924 में बॉम्बे में इंडिया के पहले एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। लंदन से कराची पहुंचने के लिए पैसेंजर को 4 बार फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ी। आज बिजविट की टीम मौजूद है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स में। वर्ल्ड में नंबर वन इस समय ग्रोथ है हमारे इंडियन एविएशन की। तकरीबन 24 सालों तक इंडिया में एयरक्राफ्ट सिर्फ लेटर्स और ट्रांसपोर्टेशन और मेल फ्लाइट्स के ही काम आ रहे थे। एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसके चार्जेस हैं, टेक ऑफ करता है उसके चार्जेस हैं। आज बिजविट टीम आपके लिए लेकर आई है एविएशन फील्ड की फुल ऑन नॉलेज का बेहद ही रोचक खजाना। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन माध्यमों का होना। अगर हम इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली हमारे देश में ट्रैवलिंग के बहुत से मीडियम्स मौजूद हैं, और इनमें सबसे कन्वीनियंट यातायात माध्यम के बारे में अगर जिक्र करें तो वो है एविएशन, यानी कि हवाई यातायात। जब हम सभी छोटे थे तो आसमान में उड़ते प्लेन को देखकर काफ़ी रोमांचित होते थे। जब थोड़े समझदार हुए तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया, जहाँ से एविएशन फील्ड के बारे में आपको बहुत सी जानकारियाँ मिली भी होंगी। लेकिन हम आज आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपने ना तो बुक्स में पढ़ा होगा और ना ही इंटरनेट पर आपको उसकी जानकारी मिली होगी। आज बिजविट टीम आपके लिए लेकर आई है एविएशन फील्ड की फुल ऑन नॉलेज का बेहद ही रोचक खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। एयरक्राफ्ट है वो आप देखिए कि 1000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 है साउंड की रफ्तार। तो अब उसकी स्पीड से चलने वाले वाहन को कंट्रोल करना और सेफली उसको नीचे से अगेंस्ट दी ग्रेविटी, जो नेचुरल लॉ ऑफ प्रिंसिपल है, उससे उल्टा चल के उसको पहुंचाना और उसे लैंड कराना सेफली, यह एक बहुत ही जटिल किंतु बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेफ ट्रेंड हाईली ट्रेंड मैन पावर से किया जाता है। विश्व स्तर पर इस विजन की शुरुआत हुई थी 17 फरवरी 1903 से, जब राइट ब्रदर्स ने एक बेहद ही छोटा लकड़ी और कपड़े से बना प्लेन फ्लाई किया था। इसके तकरीबन 8 सालों के बाद भारत में पहली उड़ान 17 फरवरी 1911 को भरी गई थी, जिसके पायलट एक 23 वर्षीय फ्रेंच युवक थे जिनका नाम हेनरी पीके था। यह प्लेन बेहद ही छोटा था जिसमें सिर्फ 50 हॉर्स पावर का इंजन लगा था। यह उड़ान महज 10 किलोमीटर की थी, जो कि इलाहाबाद से नैनी के लिए भरी गई थी। और मजे की बात यह है कि उस समय प्लेन को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 13 मिनट का वक्त लग गया था। यह पैसेंजर फ्लाइट नहीं बल्कि एक मेल फ्लाइट थी, जिसमें करीब 6500 पोस्टकार्ड्स के साथ कुछ लेटर्स रखे हुए थे। जब इस फ्लाइट ने नैनी में लैंड किया तो वहाँ पर इंडिया की पहली फ्लाइट के लैंडिंग जैसा कोई खास इंतज़ाम नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक पोस्टमैन खड़ा था जो कि अपने पोस्टकार्ड्स का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उस फ्लाइट में तकरीबन 6500 पोस्टकार्ड्स के साथ कुछ लेटर्स आदि थे। साथ ही इस तरह की फ्लाइट्स के लिए किसी भी तरह का कोई डिफाइंड टाइम टेबल नहीं था।
और ना ही किसी तरह की शेड्यूल फ्लाइट ये एयरक्राफ्ट कहलाया करते थे। इसके बाद तकरीबन 24 सालों तक इंडिया में एयरक्राफ्ट सिर्फ लेटर्स और ट्रांसपोर्टेशन और मेल फ्लाइट्स के ही काम आ रहे थे। इसके बाद साल 1924 में बॉम्बे में इंडिया के पहले एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, जो कि आज जुहू एरोड्रम के नाम से जाना जाता है। 1927 में भारत में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट किया जाने लगा। 1929 में भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने लैंड किया। ये इंपेरियल एयरवेज की उड़ान थी, जो कि आज के समय की ब्रिटिश एयरवेज का ही पुराना नाम था। ये उड़ान लंदन टू कराची तक की थी। लंदन से कराची पहुंचने के लिए पैसेंजर को 4 बार फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ी, साथ ही एयरक्राफ्ट को 20 बार रिफ्यूल करना पड़ा, और इसके बाद तकरीबन 6 से 7 दिनों के लंबे इंतजार के बाद फ्लाइट ने कराची की सरजमी पर लैंड किया, जो कि उस वक्त भारत का ही पार्ट हुआ करता था। अगर इस फ्लाइट के टिकट की बात करें, यानी कि टिकट कॉस्ट की बात करें, तो ये तकरीबन आज के 7 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी। साथ ही 1929 में इंडिया की पहली फ्लाइंग स्कूल खोली गई, जिसे नाम दिया गया एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा, और इसी एकेडमी की ओर से भारत में सबसे पहला कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किया गया। वो शख्सियत थे मिस्टर जे आर डी टाटा। मिस्टर जे आर डी टाटा भारत में एविएशन इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हुए। उनके जो अंकल थे वो उस समय भारत में टाटा ग्रुप के चेयरमैन हुआ करते थे। मिस्टर टाटा ने अपने अंकल को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट करें, और उनके इस कन्विंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, और इसके बाद भारत में पहली एयरलाइन इंट्रोड्यूस की गई, जो थी टाटा एयरलाइंस। शुरुआत की अगर बात करें तो टाटा एयरलाइंस का ऑफिस एक बहुत ही छोटा सा झोपड़ीनुमा आकार का था, जो कि उन्होंने जुहू एरोड्रम में खोला था। टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को बॉम्बे टू कराची वाया अहमदाबाद के लिए भरी गई थी, और ये भी एक मेल फ्लाइट थी। अगर इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट की बात करें तो ये भी टाटा एयरलाइंस की ही फ्लाइट थी, जो कि बॉम्बे से तिरुवनंतपुरम के लिए थी। इसका किराया 250 रुपये प्रति यात्री था। 1948 में टाटा एयरलाइन ने अपनी इंटरनेशनल उड़ान की शुरुआत की, जो कि बॉम्बे से लंदन के लिए थी। ये वीकली सर्विस थी, जिसकी टिकट कॉस्ट 1720 रुपये पर पैसेंजर थी। इस फ्लाइट को मालाबार प्रिंसेस नाम दिया गया था। यह एक 40 सीटर लॉकहेड L749 एयरक्राफ्ट था, और बॉम्बे टू लंदन की दूरी तय करने में इसे 24 घंटे का वक्त लगा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज करने का फैसला किया, जिसके बाद अब ये एक प्राइवेट एयरलाइन नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक गवर्नमेंट एयरलाइन बन चुकी थी। और इसके बाद ये एयरलाइन एयर इंडिया के नाम से जानी जाने लगी। एविएशन में मिस्टर टाटा के योगदान का उन्हें फल भी मिला, और भारत सरकार ने उन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया, जिसके बाद उनके मार्गदर्शन में एयर इंडिया ने विश्व की बेस्ट एयरलाइन का खिताब अपने नाम किया। 1960 के दशक तक एयर इंडिया 6 बोइंग 707 खरीद चुकी थी, और ये वर्ल्ड की ऐसी फर्स्ट एयरलाइन थी जिसने जेट एरा एंजन टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स को अपने फ्लीट में शामिल किया था। 1977 तक मिस्टर टाटा ने एयर इंडिया को लीड किया। इसके बाद
कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इंदिरा गांधी सरकार में लगी इमरजेंसी की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वक्त की जरूरत के साथ इंडिया में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण बहुत तेजी से होने लगा और इसकी जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी नामक दो संस्थाएं नियुक्त की और उन दोनों संस्थाओं को इंडिया में सभी एयरपोर्ट्स के संचालन का जिम्मा और कंस्ट्रक्शन का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारत में एक एक करके बहुत ही तेजी से एयरपोर्ट्स का निर्माण होने लगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहे हैं जिससे आप आज तक अनजान होंगे। दरअसल जो एयरलाइंस है वो आपके लिए एक ट्रैवल एजेंसी की तरह काम करती है और उन्हें अपनी फ्लाइट्स को लैंड करने के लिए, टेक ऑफ कराने के लिए, एयरपोर्ट का यूज़ करने के लिए, बोर्डिंग गेट यूज़ करने के लिए एयरपोर्ट्स को एक निश्चित अमाउंट पे करना होता है जो अमाउंट एयरलाइंस एयरपोर्ट्स को देती है। ये अमाउंट कितना होता है और किस तरह से इस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है इस बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे भारत में न्यू एयरपोर्ट्स का निर्माण होने लगा वैसे वैसे भारत सरकार द्वारा अधिकृत टाटा एयरलाइंस ने इंडिया के अलग अलग रूट्स के लिए अपनी फ्लाइट्स चलाने में रुचि दिखाई और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में टाटा एयरलाइंस के विमान बॉम्बे टू गोवा, त्रिवेंद्रम टू त्रिची, कोलंबो टू हैदराबाद, इंदौर भोपाल, ग्वालियर दिल्ली के लिए अपनी सेवाएं देने लगे और इनमें से अधिकांश जगह टूरिस्ट प्लेसेस होने की वजह से बहुत अच्छा पैसेंजर ट्रैफिक एयरलाइंस को इन रूट्स के लिए मिलने लगा। 1953 के बाद जब टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद ये एयरलाइन एयर इंडिया के नाम से पहचानी जाने लगी। और इसी साल देश में एक और नई एयरलाइन का जन्म हुआ जो थी इंडियन एयरलाइंस। इसके बाद तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल रूट्स के लिए भी शुरू हो गए जिसमें कुछ प्रमुख रूट्स दिल्ली मॉस्को, दिल्ली लंदन, दिल्ली बैंकॉक, बॉम्बे नैरोबी, बॉम्बे सिंगापुर आदि थे। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहा और भारत में एयरपोर्ट्स का निर्माण बहुत ही तेजी से होने लगा। भारत में जो एयरपोर्ट्स शुरुआत में बनाए गए उनमें से कुछ प्रमुख थे बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, भोपाल, लखनऊ आदि। इसके साथ साथ वक्त गुजरता गया और एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस ने भारत के लाखों लोगों को हवाई सफ़र करवाया। इसके बाद भारत में अच्छे यात्री भार को देखते हुए बहुत सी फॉरेन एयरलाइंस ने भी इंडिया में अपनी सर्विसेज शुरू की जिनमें कुछ प्रमुख सिटीज थे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता एंड हैदराबाद। सन 1992 तक भारत में सिर्फ इन दो एयरलाइंस का ही दबदबा रहा। इसके बाद इंडिया में एक नई एयरलाइन का जन्म हुआ जो कि आगे जाकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी बिजिएस्ट एयरलाइन बनने जा रही थी। जी हां, वो एयरलाइन थी जेट एयरवेज। जेट एयरवेज की स्थापना पटियाला के रहने वाले युवक नरेश गोयल ने की। शुरुआत में जेट एयरवेज एज अ टैक्सी ऑपरेटर कार्य करती थी। 5 मई सन 1993 को जेट एयरवेज ने अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू किया और बहुत कम वक्त में इस एयरलाइन ने देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना ली। बहुत लंबे वक्त तक इंडिया में सिर्फ दो ही एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने अपना परचम कायम रखा और इसके बाद भारत में एक नई एयरलाइन का उदय होना इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आया था। जेट एयरवेज ने सन 2004 में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत करी और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जेट एयरवेज के लिए पहला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना।
इसके बाद जेट एयरवेज ने कामयाबी के एक से बढ़कर एक शिखर हासिल किए और ये एयरलाइन बहुत ही जल्द इंडिया की बेस्ट एयरलाइन के खिताब में गिरी जाने लगी। इसके बाद जेट एयरवेज ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बहुत से रूट्स के लिए अपनी फ्लाइट्स को शुरू किया। जेट एयरवेज के साथ ही और भी बहुत सी एयरलाइंस भारत में इंट्रोड्यूस हुई और इनमें बहुत सी लो कॉस्ट एयरलाइंस थी जिनकी टिकट कॉस्ट बेहद ही कम थी, जिसके बाद जेट एयरवेज की फ्लाइट्स में पैसेंजर लोड कम होता चला गया और वक्त बीतने के साथ साथ एक समय ऐसा आया जब ये एयरलाइन घाटे के दौर से गुजरने लगी। इसके बाद काफ़ी समय तक तो एयरलाइंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ्लाइट ऑपरेशंस जारी रखे, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक वो ऐसा नहीं कर पाए और जेट एयरवेज का घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके पास अपने स्टाफ को पे करने तक के लिए फंड नहीं था, जिसके बाद 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज ने अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया। जेट एयरवेज को बंद किए जाने का ऐलान होते ही एयरलाइंस स्टाफ में कोहराम मच गया। देश भर के एयरपोर्ट्स के बाहर जेट एयरवेज के क्रू मेंबर्स, पायलट्स और अदर स्टाफ ने बहुत से धरने और प्रदर्शन किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी तरह की एक और एयरलाइन की बात करते हैं, वो थी किंगफिशर, जो कि अपने समय की बेहतरीन लग्जरी एयरलाइन मानी जाती थी। फेमस बिजनेसमैन विजय माल्या ने अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की थी और शुरुआत में किंगफिशर ने 4 एयरबस A320 के साथ अपने कारोबार का आगाज किया था। इस एयरलाइन की पहली फ्लाइट मुंबई टू दिल्ली के लिए थी और किंगफिशर ने मुंबई में अपना हेड ऑफिस खोला था, जिसके बाद इसे बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया। विजय माल्या का सपना किंगफिशर एयरलाइंस को एक बड़ा ब्रांड बनाने का था, जिसके लिए उन्होंने 2007 में तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एयर डेकन को टेक ओवर किया था, जिसका उन्हें तत्काल फायदा तो हुआ, लेकिन भारत में बढ़ती फ्यूल कॉस्ट की वजह से वो इस फायदे को लंबे वक्त के लिए बरकरार नहीं रख पाए और उनकी एयरलाइन घाटे में चली गई। साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का स्टाफ सैलरी नहीं मिलने की वजह से स्ट्राइक पर चला गया। खस्ता हाल में चल रहे किंगफिशर एयरलाइंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एयरलाइंस के करीब 200 पायलट हड़ताल पर चले गए हैं। पायलटों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से एयरलाइंस को अपने ATR संचालित उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगफिशर की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एयरलाइंस के अकाउंट्स सीज कर दिए। साल का एंड आते आते भारत सरकार ने किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसके बाद विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए और उन पर बैंक्स के 9000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाने का आरोप है। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में बहुत सी एयरलाइंस है जो इस समय अपने फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रही है, जिनमें कुछ प्रमुख है इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट, स्टार एयरलाइंस आदि। अगर बात करें इंडिगो की तो इस वक्त वो इंडिया की बेस्ट एयरलाइन है और अगर पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो उसका शेयर भी सबसे अधिक इंडिगो के पास ही है। इंडिगो के पास कुल विमानों की संख्या 287 है। इसके अलावा 625 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर इस एयरलाइन के द्वारा दिए जा चुके हैं, जिसके बाद ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन बन जाएगी। इस एयरलाइन को दो दोस्तों ने शुरू किया था, जिनका नाम था राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया, और शुरुआत में इन दोनों ने उधार के रुपयों से प्लेन खरीदकर 2005 में इस एयरलाइन को स्थापित किया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही लो फेयर में देशवासियों को हवाई यात्रा करवाना शुरू किया और इसका नतीजा यह निकला कि बेहद ही कम समय में ये एयरलाइन सभी दूसरी कंपनीज को पीछे छोड़ती हुई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनकर उभरी।
आज हिंदुस्तान में इंडिगो के पास तकरीबन 50% पैसेंजर मार्केट शेयर है। एयरलाइंस के बाद अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट्स के बारे में। अगर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो विश्व में सिर्फ दो कंपनीज हैं जो बड़े स्तर पर एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें प्रमुख है एयरबस एंड बोइंग। ये दोनों कंपनीज एयरलाइंस की मांग के अनुसार उस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए एयरक्राफ्ट का मॉडल तैयार करके और उस पर स्टिकर्स, सीटिंग अरेंजमेंट एयरलाइन के मुताबिक करके फ्लाइट एयरक्राफ्ट एयरलाइन को डिलीवर करती है। अगर इनके मॉडल्स की बात करें तो एयरबस की बात करते हैं पहले, जिनमें कुछ प्रमुख मॉडल्स हैं एयरबस A320 जो कि आता है 180 सीटर के आसपास, इसके बाद है A321, A330, A350 एंड A380। अगर बोइंग की बात करें तो बोइंग में सिर्फ कुछ मॉडल्स हैं जिसमें है B737 एंड B747। इसके अलावा बात करते हैं कुछ छोटे एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो कि इंडिया में स्पाइसजेट, एयर इंडिया एंड इंडिगो के पास है। वो कंपनी मैन्युफैक्चरर है ATR एंड बॉम्ब राइडर, जो कि 75 सीटर से लेकर 90 सीटर तक एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये दोनों कंपनीज एयरलाइंस की मांग के मुताबिक उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स, एयरलाइन कंपनी लोगो, स्टिकर्स एक्सेट्रा कंप्लीट करके एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट डिलीवर करती है। वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाए तो बोइंग एंड एयरबस के पास विश्व के कुल एयरक्राफ्ट्स का 65% मार्केट शेयर है। साथ ही इसके अलावा कुछ और कंपनीज हैं जो कि 70 से 80 सीटर्स एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन कंपनी में प्रमुख है बॉम्ब राइडर एंड ATR। एयरक्राफ्ट परचेजिंग के बाद कुछ सुरक्षा एजेंसीज उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए एक समय तय करती है और उस तयशुदा समय के बाद उस एयरक्राफ्ट को एयरलाइन के द्वारा रिटायर किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो इसके लिए ये संस्था DGCA है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और इस एयरक्राफ्ट को समय सीमा से बाहर होने के बाद में एक जगह रखा जाता है, उस जगह को कहा जाता है एरोप्लेन्स ग्रेवयार्ड। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि पहले के समय में भारत के सभी एयरपोर्ट्स के निर्माण और संचालन का पूरा जिम्मा नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी नामक दो उपक्रमों द्वारा किया जाता था, जिसके बाद वक्त की जरूरत के अनुसार इन दोनों अथॉरिटीज को मर्ज कर दिया गया और 5 अगस्त 1995 को इसके लिए एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति मौजूद हैं, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, जो कि हैं मिस्टर संजीव जिंदल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली गिल और आज ब्रिजविट की टीम मौजूद है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स में और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं जिनका नाम है संजीव जिंदल जी, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। संजीव जी से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि भारतीय एयरपोर्ट्स के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आम नागरिक को नहीं पता है, तो उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संजीव जी से सबसे पहले तो संजीव जी आपका स्वागत है यहाँ। नमस्कार संजीव जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम टॉपिक जो हम सभी को पता होना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले तक भारतीय एयरपोर्ट्स का संचालन नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था, जो कि एक संस्था थी, लेकिन काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, लेकिन उसके पीछे क्या वजह रही ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि हमारा जितने भी एविएशन के से रिलेटेड वर्क्स हैं और एयरपोर्ट हैं उनका संचालन करते थे। उसके बाद दो अथॉरिटीज़ बनी, एक बनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
जो मेनली 5 एयरपोर्ट्स जो हैं मेट्रो एयरपोर्ट्स पूरे इंडिया के और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे उनको गवर्न करती थी, और एक अथॉरिटी बनी नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितने भी डोमेस्टिक नॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन्हीं को ही मैनेज कराने के लिए करने के लिए बनाई गई थी। समय के साथ ये लगा कि धीरे धीरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बढ़ने हैं, जैसे आज के समय में 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश में, और उसके अलावा आपस में कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए, उनका आपस में और अच्छा ग्रोथ करने के लिए इन दोनों का मर्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मर्ज किया। दोनों अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, वो मर्ज होके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ जिसको आज हम सभी लोग जानते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, ये लगभग इंडिया के सभी एयरपोर्ट्स का संचालक है। अगर संख्या की बात करें तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भारत के 137 एयरपोर्ट्स का जिम्मा है। इसके अलावा भारत में किसी भी एयरपोर्ट का रिनोवेशन करना हो, नए एयरपोर्ट का निर्माण करना हो, या फिर एयरपोर्ट रिलेटेड किसी भी तरह का कार्य करना हो, उसके लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कमिटेड है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के राजीव गांधी भवन में स्थित है, जिसे सफदरजंग एयरपोर्ट भी कहा जाता है। एयरपोर्ट संचालन के लिए रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम एयरलाइंस से होने वाली इनकम है, जो कि ट्रैफिक रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। साथ ही एयरपोर्ट्स एरिया में बनी मल्टी ब्रांड्स शॉप के जरिए भी एयरपोर्ट संचालन के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जो कि नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू जनरेशन के अंतर्गत आता है। किस तरह से काम करता है ये पूरा साइकिल, आइए जानते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेवेन्यू जनरेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? देखिए, रेवेन्यू में बेसिकली अगर दो हिस्सों में अगर हम बांटें तो एक रहता है ट्रैफिक रेवेन्यू और एक रहता है नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू। नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू वो है जैसे हमको कार पार्ट से मिलता है, हमारे पास जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके अंदर शॉप से मिलता है, उसके अंदर रेस्टोरेंट होता है उससे हमें शेयर मिलता है। तो एक तो वो रेवेन्यू वो है जिसको हम नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू बोलते हैं। दूसरा रेवेन्यू एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलता है जो कि मेजर पार्ट है एयर नेविगेशनल सर्विसेज देने से, यानी कि लैंडिंग, एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसके चार्जेस हैं, टेक ऑफ करता है उसके चार्जेस हैं, पार्क करता है उसके चार्जेस हैं। हम जो है कोई भी सुविधा देते हैं ग्राउंड हैंडलिंग की, अगर एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है तो उसका भी चार्जेस लगते हैं। इवन जो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज है उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी समय पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज को यूज़ करता है तो उसको हमें कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमारा एक मेजर सोर्स एयर नेविगेशनल रेवेन्यू है, और नॉट ओनली जो एयरक्राफ्ट यहाँ लैंड करते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो स्काई में यहाँ इंडिया में लैंड भी नहीं करते लेकिन इंडियन टेरिटरी से क्रॉस करते हैं, उनको हम नेविगेशनल सर्विसेज देते हैं, तो उसका भी हमें चार्जेस मिलता है। तो एयर ट्रैफिक रेवेन्यू एज वेल एज नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू, इन सब के साथ हमें जो है हमारी अर्निंग का मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारी यहीं से होती है। अगर एयरपोर्ट्स एरिया में मौजूद स्टाफ के बारे में बात करें तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं, जिसमें से एक है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है एयरलाइंस। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन मुख्यतः 5 डिपार्टमेंट कार्य करते हैं, जिसमें है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, कम्युनिकेशंस नेविगेशन एंड सर्विलेंस सिस्टम, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टर्मिनल ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल एचआर।
इनमें सबसे कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, जो कि है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हम सभी जानते हैं, और हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि हम लोग बहुत समय से, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस एविएशन सेक्टर के बारे में पिछले बीते दिनों से पढ़ रही हूं, और आप बहुत ही सालों से, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही आप इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये पता है, मुझे ये पता है, लेकिन हमारे दर्शकों को इस बारे में बहुत कम जानकारी होगी। हो सकता है हमारे बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, तो उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे रोड के अंदर ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं और ट्रैफिक पुलिस रहती है जो कि कंट्रोल करती है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, ऐसी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए एयर के अंदर वो कब लैंड करें, कैसे लैंड करें, किस तरीके से लैंड करें, किस हाइट पे रहें, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है वो आप देखिए कि 1000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 है साउंड की रफ्तार। तो अब उसकी स्पीड से चलने वाले वाहन को कंट्रोल करना और सेफली उसको नीचे से अगेंस्ट दी ग्रेविटी, जो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल है, उससे उल्टा चल के उसको पहुंचाना और उसे लैंड कराना सेफली, ये एक बहुत ही जटिल किंतु बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेफ ट्रेंड, हाईली ट्रेंड मैन पावर से किया जाता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इसमें मोनोपोली है, और पूरे इंडिया के अंदर कोई भी एयरपोर्ट है उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल हम ही लोग करते हैं, ना केवल पूरा इंडियन टेरिटरी के अंदर बल्कि काफ़ी ओशनिक पार्ट जो है सराउंडिंग जो इंडिया का है उसमें भी हमारा नेविगेशनल कंट्रोल रहता है अलग अलग वर्ल्ड क्लास राडार और इक्विपमेंट्स के माध्यम से। संजीव जी, अभी आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि एयरक्राफ्ट्स या फिर विमान के लैंडिंग और उनके टेक ऑफ के समय भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो इसी के साथ अब एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में है, जो मैं जानना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि ज़मीन से इतना ज़्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद एयरप्लेन में ट्रैवल करने के एक माध्यम को और कह सकते हैं विमान यातायात को सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्यों माना जाता है? उसका रीज़न तो यही है कि हमारे जो भी इंडियन और कोई भी एयर स्पेस है उसमें कोई भी अनट्रेंड और एज वेल एज अनप्लैंड कोई भी किसी भी जगह में थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर सकता। 100% कोई भी अगर एयरक्राफ्ट है या कोई भी बॉडी है जो कि एयर में है वो अंडर दी वॉच रहती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के थ्रू रडार्स। अगर कोई ऐसी बॉडी दिखाई देती है कि जो कि अननोन है, अनट्रेंड है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और ये सारा का सारा प्रोसेस हाईली टेक्निकल है और इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। इसके अंदर वर्ल्ड क्लास लेवल के जो लेटेस्ट किसी भी कंट्री के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास इंडिया के अंदर वही इक्विपमेंट्स हम भी यूज़ करते हैं, वही स्किल हमारे पास भी है, बल्कि कहीं काफ़ी कंट्रीज से, काफ़ी एरिया से हमारे पास मच मच बेटर मैनेजमेंट सिस्टम है, मच मच बेटर टेक्निकल नो हाउ है। तो हम जो एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट पूरा जो करते हैं वो हाईली सेफ है, और इसके अंदर अगर कुछ भी इंसिडेंस होता है या होने की अगर कुछ संभावना होती है तो उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करके उसके ऊपर DGCA का पूरा कंट्रोल रहता है, और चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, चाहे वो पायलट है, चाहे वो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन है, सबका रेगुलरली लाइसेंस बनता है, उसको रिव्यू किया जाता है, उनका मेडिकल होता है,
हर 6 महीने के अंदर, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, उनको सिमुलेटर में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये बहुत ही रेगुलर रिहर्सल वाला, रेगुलर ट्रेनिंग वाला जो सेक्टर है, जिसकी वजह से ये हाईली सेफ है। सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल आज के समय में एयर ट्रैवल ही है। बिल्कुल, बहुत ही आपने, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि क्यों एरोप्लेन में ट्रैवल करने को या विमान में ट्रैवल करने को एक सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। इसी के साथ हम संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई एक नई एयरलाइन है जो एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट्स का संचालन करना चाहती है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई एयरलाइंस नई आती है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है जी। जो डिफरेंट विभाग्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, DGCA है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उन सब से क्लियरेंस लेकर रजिस्टर कराना पड़ता है। और उसके बाद अगर उन्होंने शेड्यूल्ड ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सो मैनी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट होने ही चाहिए, और उनको DGCA से हर चीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है, प्रोसीजर की, पायलट्स की, टेक्नीशियंस की, एयरक्राफ्ट्स की, बहुत ही वेल डिफाइंड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड, इंटरनेशनली जो यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड होता है उसके हिसाब से ही वो कोई भी एयरलाइंस यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन कुल 137 एयरपोर्ट्स कार्य करते हैं। इसके अलावा भारत के 7 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा संचालित किए जाते हैं, और उनसे होने वाले प्रॉफिट में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 30% है। ये एयरपोर्ट्स दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई CST एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट आदि हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला है। आज भारत के एयरपोर्ट्स किसी दूसरे डेवलप्ड शहरों की तुलना में काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, और इस दिशा में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दशकों में बहुत अच्छा कार्य किया है। क्योंकि इंडियन एयरपोर्ट्स को अगर आज देखेंगे आप, तो वो पूरी तरह से किसी 5-स्टार या 7-स्टार होटल की तरह आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा भारत में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने की दिशा में भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम किया है, और साथ ही बहुत इंडिया के छोटे शहरों को भी हवाई मार्गों के द्वारा पिछले कुछ सालों में जोड़ा गया है, और उनके एयरपोर्ट निर्माण के वक्त वहाँ की लोकल स्पेशलिटीज़ को भी एयरपोर्ट निर्माण के वक्त उसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संजीव जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारतीय एयरपोर्ट्स जो हैं, आज हम सभी देख सकते हैं वो एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स के तर्ज पर आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी डेवलप्ड कंट्री की तरह। जबकि कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो उस समय ऐसा होता था कि भारतीय एयरपोर्ट्स इतने ज़्यादा आधुनिकीकरण और इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुआ करते थे, तो उसके पीछे क्या वजह मानेंगे आप? देखिए, उसके पीछे बेसिक वजह तो एक नीड और डिमांड ही है। इंडियन इकोनॉमी ने बड़ी तेज़ी से ग्रो किया, और आज के दिन में भी जो एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन की ग्रोथ है इंडिया की, वो वर्ल्ड में 1 है। तो देर वॉज ए नीड टू डेवलप दी एयरपोर्ट्स एट वर्ल्ड क्लास लेवल, और उसमें क्योंकि ज़रूरत थी, आवश्यकता थी और प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर था, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने, हमने राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी आर इन प्रॉफिट, हमने पैसा अर्न किया इसी सेक्टर से और इसी सेक्टर में इन्वेस्ट भी किया, और जितनी भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, ऑटोमेशन है, उसको हमने एट पार इंडिया में लेके आए। और एविएशन सेक्टर ही इंडिया में ऐसा सेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि आज किसी भी कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो उसके बराबर है। तो उसके पीछे एक कारण, एक नीड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक टेक्निकल मैन पावर भी थी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक समय के साथ अपने को टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग किया,
और ये हमारी एक स्ट्रेंथ है कि हम ना केवल इंडिया के अंदर, हम इंडिया के बाहर भी हम बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं एविएशन के, जिसमें हम वर्ल्ड क्लास एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकली और सस्टेनेबल बना रहे हैं और बनाते रहेंगे जी। अभी हाल ही में ग्रीन फील्ड्स एयरपोर्ट के नाम से कई सारे एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है। एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट रहता है और एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट रहता है। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट हैं जो ऑलरेडी से एयरपोर्ट है लेकिन उसको हमने अपग्रेड किया, छोटा एयरक्राफ्ट आता था लेकिन अब उसको हमने रनवे बड़ा बनाया, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया, एयरपोर्ट को एक्सपांड किया, तो वो तो ब्राउन फील्ड की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वो है जहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जो है हमने वहाँ पे नई जगह पे बिल्कुल ग्रास से जो है ना स्टार्ट करके, एक्सकवेशन करके, काम शुरू करके नया एयरपोर्ट बनाया। तो जैसे मैंने बोला कि जो इंडियन एविएशन वर्ल्ड में नंबर वन ग्रोथ चल रही है और इकोनॉमी भी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो है गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर मेन एम्फेसिस है कि ऐसी जगह पे जब तक हम जहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ भी हैं अगर हम वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे तो उनको सडन जो ग्रोथ है वो संभव नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट ना केवल इकोनॉमी में सब्सटेंशियली ग्रोथ लेके आता है बल्कि वो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक और इंडियन सिक्योरिटी के लिए भी एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है। पहले के समय में ये माना जाता था कि हवाई सफ़र सिर्फ उन लोगों के लिए कर पाना सक्षम है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है, जिस फैसले के तहत भारत के उस वर्ग को भी हवाई सफ़र करने की सौगात दी गई है जो कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से एयर ट्रैवल करने से कतराते थे। इसे लेकर भारत सरकार की ओर से उड़ान स्कीम का आगाज़ किया गया है। उड़ान वन, उड़ान टू, उड़ान थ्री एंड उड़ान फोर के नाम से हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कुछ चुनिंदा रूट्स की एक लिस्ट जारी करता है और उस लिस्ट में शामिल होने वाले रूट्स में एक निश्चित सीटों की संख्या तक का सीमित किराया सरकार की ओर से तय किया जाता है। साथ ही रिमेनिंग अमाउंट पर सरकार एयरलाइंस को सब्सिडी देती है। भारतीय एयरपोर्ट्स का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा है संजीव जी। अगर देखा जाए इतिहास के पन्नों को पलटकर तो भारतीय एयरपोर्ट्स जैसे जैसे आधुनिकीकरण की ओर बढ़े हैं, जैसे जैसे वो उन्होंने एक्सपेंड किया है और जैसे जैसे अब लोगों ने भी विमान यातायात को अपना लिया है। एक समय ऐसा था जब लोग विमान में बैठने से डरा करते थे, भारतीय लोग अगर बात की जाए तो, और छोटे कस्बों और छोटे शहरों से आने वाले लोग तो उनके लिए भारतीय विमानों में बैठना एक सपने के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे एयर ट्रैवल है, एयर फेयर है, वो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है, हर कोई उसे आजकल अफोर्ड कर सकता है, हर किसी के लिए आज ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। इसी के साथ संजीव जी, अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि एक ऐसी चीज़ जो भारतीय एयरपोर्ट्स ने हाल ही में अचीव किया है, आपकी नज़रों में ऐसी क्या चीज़ है? ऐसे बहुत सी चीज़ें अचीव करी हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ही अचीव किए हैं। अभी हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 130 एयरपोर्ट्स सिर्फ हमारे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के पास ही हैं जो हम ऑपरेट और मेंटेन करते हैं। और जैसा कि अभी हमारा प्लान है कि हम और 100 एयरपोर्ट इसके अंदर शामिल करेंगे, जो स्मॉल एरियाज़ के जो भी एयरपोर्ट हैं, छोटे से छोटे शहर में, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, टफ एरियाज़ के अंदर, एक बहुत ही अद्भुत स्कीम जो हम सभी लोग जानते हैं उड़ान के नाम से, अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एक शुरू हुई है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत स्कीम है। शायद ही किसी देश में ये इस तरीके की स्कीम है। उस स्कीम से रिवोल्यूशन आया है पूरा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, एयर ट्रैवल के अंदर। और आज मात्र 1200 रुपये में, 1800 रुपये में एक कोई भी आम आदमी
और उस कई बार उससे कम में भी दिल्ली जैसे शहर से जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बहुत से शहरों के अंदर मध्य प्रदेश और आपस में भी ट्रैवल कर पा रहा है। और देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जगह हैं, दुर्गम जगह हैं, जहाँ पे बाय रोड अगर जाते हैं या बाय ट्रेन जाते हैं तो कॉस्टलियर पड़ता है। तो समय की बचत तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ सस्ता भी पड़ रहा है। और जो एयर कार्गो है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एयर कार्गो भी जो है सस्ते की कैटेगरी में आ रहा है। तो एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से एयर कार्गो के अंदर और एयर पैसेंजर्स के अंदर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वर्ल्ड में नंबर वन इस समय ग्रोथ है हमारे इंडियन एविएशन की। उसके अलावा अगर हम कंपेयर करें कि सर्विस देने के लिए हमारे एयरपोर्ट कितने अच्छे हैं, उनके अंदर सुविधाएं कैसी हैं, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो सर्वे करती हैं तो प्रति वर्ष मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारे 3-4 एयरपोर्ट की जो कैटेगरी है, हर कैटेगरी के अंदर नंबर वन और नंबर टू पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर वो एयरपोर्ट आते हैं। और कंटिन्यूसली पिछले कई वर्षों से उन्होंने वो अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है। लद्दाख हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन अभी आजकल बीते दिनों और बात की जाए अगर 2020 की, तो लगातार 2020 से लेकर 2021 का फरवरी ख़त्म होने को है, लेकिन अभी भी लद्दाख चर्चा का विषय बना हुआ है। किन्हीं कारणों की वजह से, नेशनल सिक्योरिटी उसमें एक बहुत बड़ा विषय है हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे में एयरपोर्ट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा मायने रखता है एक ऐसी जगह के लिए। देखिए, लेह लद्दाख जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरपोर्ट है, अभी सेकंड हाईएस्ट कह सकते हैं, मोर देन 12,000 फीट हाइट पे एयरफील्ड बना हुआ है और उसके ऊपर भी एयरपोर्ट है। लेह लद्दाख ऐसी जगह है जो कि मोर देन 6 मंथ्स बाकी देश के पार्ट से बाय रोड, बाय रेल देर इज़ नो कनेक्शन, बाय रोड वो डिसकनेक्ट हो जाता है, सिर्फ कनेक्शन जो है वो बाय एयर ही है। तो लाइफलाइन एयरपोर्ट को बोलते हैं लेह लद्दाख के लिए। और लेह लद्दाख इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज चाइना और पाकिस्तान दोनों को टच करता है, वो वाला रीज़न। लेह लद्दाख रीज़न जो है इंडिया का सबसे बड़ा किंतु सबसे लेस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट भी है। लेह लद्दाख से ही जो है सियाचिन बेस कैंप को, लेह एयरपोर्ट पे जाने के बाद ही सियाचिन बेस कैंप को के लिए जाते हैं। तो जो भी सियाचिन के अंदर जवान हमारे जो टफेस्ट -30 -40 डिग्री के अंदर जो काम करते हैं, उनको पूरा सप्लाई सपोर्ट जो वहाँ के लोग भी हैं, जो लेह के जो रहने वाले हैं, उनको भी सप्लाई सपोर्ट साल में 6 महीने से ज़्यादा सिर्फ बाय एयर ही पहुँच पाती है। तो इसलिए वहाँ पे एयरपोर्ट का बड़ा ही ज़्यादा महत्व है। और लेह लद्दाख हमारा एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें हम -25 डिग्री टेम्परेचर पे भी वर्ष के पूरे 367 दिनों को हम उसे रन करते हैं और उसके अंदर एयर क्राफ्ट के ऑपरेशंस होते हैं, जिससे कि हम वहाँ पे जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको हम सपोर्ट दे पाएँ और अपनी कंट्री के लिए जो इतने टफ एरियाज़ में जवान काम करते हैं उनको हम सब चीज़ें मुहैया करवा पाएँ और कंट्री को सेफ रख पाएँ। धन्यवाद संजीव जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई जो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट पे और बात की जाए किताबों में भी नहीं मिल सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमने आपसे इतनी महत्वपूर्ण बातें सीखी और सुनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आसमान में 40,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल करने के बावजूद एयर ट्रैवल को सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना गया है, और यही वजह है
कि हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर देश में एयर ट्रैवलर्स की सुरक्षा के लिए एक अलग से संस्था सरकार के द्वारा गठित है। भारत में इस कार्य का जिम्मा DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास है। एक रिसर्च के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री बन जाएगी। वर्तमान में भारत में हर साल तकरीबन 15 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं और ये संख्या दुनिया में डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स की सबसे बड़ी संख्या है। साथ ही इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर की संख्या में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही बहुत सी विदेशी एविएशन कंपनीज भी हैं जो कि इंडिया में इस समय इन्वेस्टमेंट कर रही है। और अगर इंडिया की बात करें तो पूरे साउथ एशिया का कुल 70% एयर ट्रैफिक अकेले इंडिया से आता है।